पाकिस्तान ने भारत में लव ट्रैप बिछाया है, जिसके जरिए देश की भोली भाली लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा कर तस्करी की जा रही है। मेरठ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पढ़ लिख कर अध्यापिका की नौकरी करने वाली एक मासूम लड़की को पाकिस्तानी युवक ने सोशल मीडिया के जरिए लव ट्रैप में फंसा लिया और फिर लड़की लापता हो गई। यह आरोप लड़की के परिजनों ने लगाया है, जो सरगर्मी से अपनी बेटी की तलाश में जुटे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को वापस लाया जाए। दरअसल पाकिस्तान के लव ट्रैप का यह पूरा खेल दुबई से चल रहा है। युवक की फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी जब खंगाली गई तो पता चला कि दुबई के पते पर इसे चलाया जा रहा है। व्यापारी की बेटी की गुमशुदगी के मामले में मेरठ की साइबर टीम जांच में जुटी हुई है। स्थानीय थाना पुलिस ने भी युवती के दोस्तों से पूछताछ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक की छानबीन में सामने आया है कि शशि गुप्ता नाम की यह लड़की नदीम जान नाम के शख्स से सोशल मीडिया पर अक्सर चैट करती थी। इसी दौरान नदीम ने इसे अपने लव ट्रैप में फंसा लिया और फिर अच्छी नौकरी का झांसा देकर इसे सऊदी अरब बुलाने का ऑफर दिया। आंखों में प्यार और अच्छी नौकरी के सपने सजाए लड़की कुछ दिन पहले गायब हो गई और हाल ही में शशि ने अपना पासपोर्ट भी बनवाया था, जो वो अपने साथ ले गई। परिजनों का अंदेशा है कि उसे लव ट्रैप में फंसा कर विदेश ले जाया गया है। मेरठ पुलिस इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। के बाद कहां गए थे थाने में? हम इस शिकायत के बाद सीधा कंदरखेड़ा थाने पहुंचे, जहां पे पुलिस बहुत सक्रिय रही और एकदम उन्होंने हमारा जो भी है बात देखी। और जैसा ही हमें शक था, पुलिस ने भी हमें कुछ यही आइडिया दिया है कि जो एक नदीम सैफी है, नदीम जान, जो कि मूल निवासी पाकिस्तान का है और दुबई में रह रहा है, तो ये हमें यही शक है सर, वो उसके पास ही गई है और वहीं उसे बहला फुसला कर उसका अपहरण किया गया है। और उसे यहाँ से मेरठ से भी कोई ना कोई लेके गया है उसे एयरपोर्ट तक, और कोई ना कोई ग्रुप का पक्का कुछ वो है, जैसे कि पाकिस्तान के लोग होते हैं, उसे अपहरण किया गया है, उसे गलत गतिविधियों में हुआ है। मेरा भारतीय गवर्नमेंट से और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारी बहन को जल्द से जल्द हमारी हेल्प करके हमारे घर पहुँचाए, सकुशल हमें दे दिए। देखिए, एक लड़की जो बालिग है और टीचिंग का काम करती है, उसकी गुमशुदगी लिखी गई है कि वो घर से गई और वापस नहीं आई है। जो है परसों इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसकी जांच जो है वो की जा रही है। ये भी दौरान जांच पता चला कि लड़की के पास वीज़ा पासपोर्ट भी था जो है, तो इस संबंध में भी उसका एक साथी जो है, जिसपे शक किया जा रहा था, उसका एक साथी थाने पर लाया भी गया, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो अन्य बिंदु हैं उन पे जो है हमारी साइबर टीम और सारी टीमें जो है गहन छानबीन कर रही हैं।